बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने स्कोर्स इंप्लीमेंट किए थे, लेकिन स्कोर्स जो हैं वो स्टिल इंक्रीज कर रहे थे आफ्टर द डेथ एंड आफ्टर द जो भी आप कहते हैं रिज्यूम ऑफ द गेम ऑन द पास। तो उस चीज़ को फिक्स करने के लिए हमने थोड़ी सी प्रोग्रामिंग की है, विच इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एंड विच इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक इंस्टेंस क्रिएट की है, प्राइवेट स्टैटिक लेवल मैनेजर। इसी लेवल मैनेजर की इंस्टेंस क्रिएट की है ताकि इस लेवल मैनेजर को हम किसी और स्क्रिप्ट में भी यूज़ कर सकें। ओके, सो इसको हमने फिर पास मेन्यू स्क्रिप्ट में यूज़ किया है। आई विल शो यू दैट। लेट्स गो टू पास मेन्यू एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेवल मैनेजर्स इंस्टेंस जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। डॉट इंस्टेंस इज़ पास्ड इक्वल टू ट्रू। ओके, लेवल मैनेजर के अंदर हमने एक और वेरिएबल बनाया है, पब्लिक बूल इज़ पास्ड। ओके, और ये क्या करेगा, ये है इज पास्ट, इसका इनेबल्ड है। और इसको स्टार्ट के अंदर हमने इज पास्ट को फॉल्स कर दिया है, ठीक है, यानी हमारी गेम पास नहीं है। तो स्टार्ट में हमने क्या किया है, पास को फॉल्स कर दिया है, ठीक है। तो इसके बाद हमने जो मेन काम किया है वो पब्लिक स्टैटिक लेवल मैनेजर इंस्टेंस फंक्शन एक क्रिएट किया है, और इस फंक्शन के अंदर हमने गेट स्टेटमेंट यूज़ की है। गेट स्टेटमेंट के अंदर हमने कहा है कि इफ़ इंस्टेंस, यानी ये वाली इंस्टेंस नल है, अगर ये वाली इंस्टेंस नल है तो क्या होना चाहिए। तो इंस्टेंस इक्वल टू गेम ऑब्जेक्ट डॉट फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप लेवल मैनेजर। ओके, तो हमने लेवल मैनेजर को पिक कर लेना है, गेट कर लेना है। सो इट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एंड देन गेट के बाद हमेशा जब भी हम गेट का फंक्शन यूज़ करते हैं तो रिटर्न का फंक्शन, यहाँ पे रिटर्न की लाइन यूज़ करनी पड़ती है, रिटर्न द इंस्टेंस। ओके जी, इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं और सॉरी, ओके, सो नीचे आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपडेट के अंदर अब हमने क्या किया है। तो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें ऐड की हैं। यहाँ पे हमने कहा है कि फॉर अपडेट इफ़ इट इज़ नॉट पास्ड, अगर ये पास्ड नहीं है, गेम पास्ड नहीं है, तो प्लेयर स्कोर जो है वो काउंट होना चाहिए। ओके, एंड ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि प्लेयर स्कोर किस तरह से काउंट हो रहा था। हमने टाइम डॉट फ्रेम काउंट डिवाइडेड बाय 10 किया था। ओके, सो आफ्टर दैट हमने यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड की है एंड, और इसको कहा है कि अगर प्लेयर डॉट गेट कंपोनेंट प्लेयर कंट्रोलर इज़ डेड, अगर ये डेड नहीं है तो तब ये काम होना चाहिए। ओके, अगर ये डेड है तो फिर ये काम रुक जाना चाहिए, ठीक है, प्लेयर स्कोर जो है इसकी काउंटिंग जो है वो रुक जानी चाहिए। सो आई थिंक वी हैव सम प्रॉब्लम हियर, वी शुड हैव प्लेयर डॉट गेट कंपोनेंट इज डेड। एनी हाउ इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये वाला लास्ट वीडियो में हमने कर लिया था, स्कोर टेक्स्ट और स्कोर को हमने शो करवा दिया था। नई चीज़ जो अभी हमने इसमें ऐड की है वो ये है कि एल्स इफ़ इज़ पास्ड, अगर ये पास्ड है तो क्या होना चाहिए। तो हमने एक वेरिएबल बनाया है फ्रेम पास्ड
प्लस प्लस उसको कह दिया कि जी एक उसमें ऐड होना चाहिए। तो फ्रेम पास्ड, तो फ्रेम पास्ड वेरिएबल जो है वो हमने यहाँ पे बनाया है प्राइवेट इंट फ्रेम पास्ड इक्वल टू ज़ीरो। ओके, सो इस फ्रेम पास्ड वेरिएबल को हमने जस्ट यहाँ पे ये जो टाइम डॉट टाइम डॉट फ्रेम काउंट था इससे माइनस कर दिया है फ्रेम पास्ड को। ओके, और ये ब्रैकेट्स डालने ज़रूरी हैं स्लैश 10, तो ये उसी तरीके से काम करेगा। सो सेव करते हैं स्क्रिप्ट को एंड देन वी कैन ट्राई इट इन आर गेम, और आप देखेंगे कि होपफुली जब हम पास करेंगे स्कोर को तो स्कोर हमारा वहीं से रन होना शुरू हो जाएगा जहां से हमने पास किया था। सो लेट्स सी, तो ये देखिए स्कोर 3 एंड पास करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 स्कोर है, और रिज्यूम करते हैं एंड यहाँ से निकलते हैं बाहर और दोबारा से पास करते हैं। यू कैन सी 20 और 20 पे ब्लॉक हो चुका है। अगेन रिज्यूम करेंगे तो ये अगेन वहीं से 20 से आगे शुरू होगा। सो वी हैव सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड द लॉजिक। तो यहाँ पे एक चीज़ जो है वो ये है कि कंटिन्यू और रीस्टार्ट को हम सेट करेंगे। रीस्टार्ट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये अगले काउंट्स को ये शुरू करता है विच इज़ वेरी अनोइंग, और इसकी वजह ये भी हो सकती है कि हम यहाँ पे एंड प्लेयर को अगर इफ़ नॉट करें तो देखते हैं क्या होता है जी। अगर इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियोस पे इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, स्क्रिप्ट्स अब काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं और यहाँ तक जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं उनको मैं शेयर करने जा रहा हूँ ऑन द गूगल ड्राइव, और गूगल ड्राइव पे शेयर करके उसका लिंक दे दूँगा मेरे ख्याल से हर स्क्रिप्ट का। तो यू कैन डाउनलोड द लिंक, यू कैन डाउनलोड द स्क्रिप्ट और आप उस स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। सो कंपाइलेशन में थोड़ा टाइम ले रहा है, सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। थोड़ा मेरा सिस्टम जो है वो स्लो हो गया बैटरी की वजह से शायद, तो इसको भी दुरुस्त करते हैं इंशाल्लाह सून। एंड पॉज, स्कोर इज 0। ओके, सो इट्स सॉरी एक्चुअली और इसके बाद चलना शुरू हुए हैं। ओके सॉरी, वी हैव डन मिस्टेक और इसको हम नॉट करेंगे। ओके सेव, सो नाउ इट इज फाइन। सो नाउ इस वीडियो को क्लोज करते हैं एंड इन नेक्स्ट वीडियो हम मज़ीद आगे चलते हैं और कॉइंस हार्ट्स और बाकी चीज़ें जो हैं वो करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।